सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। देश पर हर तहसील स्तर पर आज समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता नेता जितने भी हमारे शानदार समाजवादी पार्टी सिपाही है सब लोग आज एक आयोजन किया गया है और ये धरना प्रदर्शन इस बात के लिए है जिस तरीके से ये भाजपा की सरकार आज पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आज अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। देश की जीडीपी इतनी खराब स्थिति में पहुंच गई है। लगातार जिस तरीके से किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार होता चला जा रहा है हमारा साथी, किसी को रोजगार नहीं मिल रहे हैं और यहां तक कि पूरे प्रदेश में विकास इस तरीके से जो ठप हुआ है शायद आज तक कभी इतना बुरा हाल कभी नहीं आया। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, रिश्वत खोरी है, लूट है, इसलिए आज समाजवादी पार्टी के समस्त पूरे प्रदेश में खासतौर से महोबा जनपद में और तहसील मुख्यालय पर हम लोगों ने यहाँ पर सभी हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता के साथ सब लोग मिल करके यहाँ पर बैठे हैं। इस सरकार के कान में हम लोगों की बात पहुँचे। इस सरकार भी हम लोगों ने 9 अगस्त को इस सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन आयोजित करने का काम किया था लेकिन इस सरकार के कानों में कोई छू तक नहीं देगा, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग आज फिर से धरना देने जा रहे हैं। आजम खान जी के ऊपर जो कल आरोप लगे हैं इसमें पार्टी क्या क्या करेगी? पार्टी आजम खान साहब या हमारे पार्टी के जो भी नेता जो भी कार्यकर्ता का अगर उत्पीड़न होगा फर्जी ढंग से फंसाने का काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता सब लोग सड़कों पर धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर आज हम लोग महंगाई भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और बढ़ती हुई अराजकता गुंडागर्दी और उत्तर प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल रसोई गैस में जो दरों में वेतन आता वृद्धि उपलब्ध कराया जाए ये हमारी मांग है, प्रमुख मांग है। बेरोजगार नौजवान निराश और हताश है जिसका स्थायी समाधान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न विशेष वर्गों में हत्या की घटना बढ़ी है। भ्रष्टाचार भ्रष्ट तंत्र की सरकार ऊपर से नीचे तक बिना रिश्वत कोई कार्य नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं विधायक अब्दुल्ला आजम खान का उत्पीड़न एवं अवैध कार्रवाई पर रोक लगे। महिलाओं के साथ छेड़खानी बलात्कार बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या अपहरण की राज्य में प्रदेश का विकास ठप है। समाजवादी सरकार के कालों पर भाजपा सरकार अपना नाम ले रही है। भाजपा के सभी दावे झूठे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क पूर्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, इसको बहाल किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।